आभूषण और महिलाओं का अटूट बंधन है। इसके साथ ही प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड वामन हरि पेठे ज्वेलर्स का नाम आता है, जिसे सोनेरी शणांची सोबती के नाम से भी जाना जाता है। 1909 में मुंबई में स्थापित WHP ज्वेलर्स ने 2008 में नागपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आज WHP नागपुर में सोने और हीरे के आभूषणों में एक विश्वसनीय ब्रांड है और शहर में समझदार एवं सौंदर्य के प्रति जागरूक ग्राहकों का पूरा ध्यान रखता है। वामन हरि पेठे ज्वेलर्स अपने शानदार और उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए सोने के आभूषण के लिए आज पूरे नागपुर में प्रसिद्ध है। आभूषण और महिलाओं का अटूट बंधन है। इसके साथ ही प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड वामन हरि पेठे ज्वेलर्स का नाम आता है, जिसे सोनेरी शणांची सोबती के नाम से जाना जाता है। संग्रह में सोने और चांदी के आभूषणों के श्रम शुल्क पर 15% की छूट, हीरे के आभूषणों के श्रम शुल्क पर 50% की छूट होगी। ग्राहक 2 लाख से ऊपर के आभूषणों की खरीद पर आकर्षक पैठनी साड़ी प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष इशारे के रूप में कंपनी रुपए की पेशकश कर रही है। हीरे के आभूषणों पर प्रति कैरेट पर 10,000 की विशेष छूट दी जाएगी। आशीष पेठे पार्टनर वामन हरि पेठे ज्वेलर्स ने कहा कि WHP न केवल आभूषणों में बल्कि इसके लेन देन शुद्ध भरोसे अभिनव डिजाइन सर्वोत्तम गुणवत्ता शिल्प कौशल और प्रदर्शन पर डिजाइनों की सर्वश्रेष्ठ फिनिश में भी शुद्धता के साथ जाना जाता है। WHP में हम अपने मूल्यांकन ग्राहकों को सर्वोत्तम ग्राहक सेवा और ग्राहक अनुभव देने पर गर्व करते हैं। WHP हमारे ग्राहकों की सभी आभूषण संबंधी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप की तरह है। यस, हमारा वामन हरि पेठे ज्वेलर्स लगभग 115 साल पुराना फर्म है, लेकिन यहाँ पे आके भी 15 साल हुए हैं, मैं खुशी है। लेकिन मार्केट भी धीरे धीरे, जब मनमोहन सिंह जी के राज में जब मार्केट ओपन अप होने लगा, तब हम धीरे धीरे बॉम्बे के बाहर निकले, नागपुर, औरंगाबाद, गोवा, इंदौर सब जगह। तो जैसे मार्केट खुला, हम महाराष्ट्र की जो विंटर कैपिटल है और देश का हार्ट कहते हैं दिल, तो वहाँ पे हम फर्स्ट, हमारा आउट ऑफ मुंबई का ब्रांच वॉज नागपुर, एंड वी आर रियली हैप्पी एंड थैंकफुल कि जो नागपुर की जनता है उन्होंने हमें दिल से प्यार किया है और सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। और ये महोत्सव और ये ऑफर्स है, ये हमारा एक प्रयास है उनको थैंक यू कहने। वामन हरि पेठे ज्वेलर्स ये जो है महाराष्ट्र का जाना माना नाम है और अक्षय तृतीया के अवसर पर नेकलेस महोत्सव का जो है यहाँ आज लॉन्चिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ वामन हरि पेठे ज्वेलर्स के ओनर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का ये महोत्सव है। नागपुर में पहली बार वामन हरि पेठे ज्वेलर्स द्वारा इस तरह के महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है, क्या बताएं? नमस्कार, आपने सही कहा, ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि इस साल हमें 15 साल पूरे हो रहे हैं नागपुर में आने से। वैसे तो 115 साल हुए हमारी फर्म को, लेकिन नागपुर में 15 साल होने वाले हैं, तो हम इस साल में नागपुर वालों को कुछ नया हर बार देंगे। इसकी शुरुआत ही अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे की है और हमने पूरे देश से अलग अलग एरिया से अलग अलग स्टाइल के जो ज्वेलरी बनती है वो यहाँ पर नागपुर कर को एक जगह मिले, इसके लिए हमने 15 से 20 तरह के अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस और टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कहते हैं वो हमने लेके आया है। जैसे कोल्हापुर का है या राजकोट का है, अहमदाबाद का एंटीक है, कलकत्ती है, या साउथ में केरला, बेंगलोर, हैदराबाद, बेलगाम, सब तरह के ज्वेलरी है, कास्टिंग वाली है, टर्किश ज्वेलरी है। तो एक ही जगह पे वन स्टॉप शॉप है, कस्टमर्स उनके जो भी ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट हो, नेकलेस ही नहीं, जो भी डिमांड हो, वन स्टॉप शॉप है, दे कैन कम एंड बाय है। हम
देख रहे हैं कि कई ज्वेलरी जो महाराष्ट्र में शिवकालीन ज्वेलरी है या बोरमार जैसे होता है, ये सब ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसमें किस तरह से वामन हरिपेठी ज्वेलर्स कदम आगे बढ़ाने वाला है? ये आपने कहा वो दिस इज़ ट्रेडिशनल महाराष्ट्र जो ज्वेलरी है, तो उसको क्योंकि उसका एक इमोशनल कनेक्ट महाराष्ट्र का है तो इसके लिए वो पसंद की जाती है। उसकी भी बहुत सारी रेंज हमने रखी है। इसके अलावा हमारा फ्यूजन कलेक्शन भी है कि जो महाराष्ट्रीयन डिज़ाइंस के एक पर्टिकुलर मोटिव्स रहते हैं उसको लेके जो आज की नई जनरेशन की जो लड़कियां हैं या नया जनरेशन है उनकी सेंसिबिलिटीज़ को जो अट्रैक्ट करे उस रीत से बनाए। जैसे मैंने अभी इनको एग्जांपल दे रहा था कि नथ है, नथ एक टिपिकल नथ आता है, तो आजकल की नई जनरेशन लड़की कहते मुझे नथ लेना है, लेकिन जो पुरानी नथ है वो तो मेरे माँ के पास है तो मैं क्यों लूँ। तो उनको जो पसंद है, जो उनके आज के पहराव के ऊपर वो पहन सके उस टाइप की ज्वेलरी, लेकिन उसमें जो महाराष्ट्र ओरिजिनल डिज़ाइंस है उसका टच भी रहेगा, वो हमारा नाविन्य कलेक्शन है, फ्यूजन कलेक्शन, जिसका इस साल हमने नाविन्य पीहू कलेक्शन लॉन्च किया है अलॉन्ग विद नेकलेस फेस्टिवल, तो उसका भी कस्टमर लाभ उठाए। हमारे साथ फेमस एक्ट्रेस है रूता दुर्गे, उनसे हम जानेंगे कि क्या बताओगे वामन हरिपेठी ज्वेलर से आपका एक खास नाता जुड़ा है, क्या बताओगे यहाँ के दागिनों के बारे में? 115 साल की लेगेसी है, और जैसे अभी सर ने बताया कि एवरी टाइम अपनी ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ ऑडियंस या फिर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, ये करना एक तो ये दोनों साइड के एफर्ट्स है। इट्स लाइक यू नो, अगर मेरी मॉम WHP से ज्वेलरी लेती है तो इट्स लाइक अ ट्रेडिशन ना, वो परंपरा है, तो फिर वो मेरे को भी बोलेगी अरे आप WHP से ही लो। सो दैट इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ WHP ऑल्सो, कि वो हर बार ऐसा सोचे, जो अभी उन्होंने नथ की एग्जाम्पल दी कि अगर मेरे मॉम के पास ट्रेडिशनल है तो मेरे को थोड़ा कंटेम्प्रेरी भी चाहिए, तो वो भी वो इतना सोच के दे आर क्रिएटिंग ज्वेलरी लाइक दैट, सो दैट इज़ वेरी कमेंटेबल। और अभी अक्षय तृतीया के दिन इन्होंने नेकलेस महोत्सव लॉन्च किया है नागपुर में, आई एम वेयरिंग वन ऑफ दी पीसेस एंड इट्स आता, मैं वैसे देखने में ऐसे बहुत वो हैवी लग रहा है, बट इट्स वेरी लाइट वेट एंड यू कैन सी ऑल द डिज़ाइन, इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी, इट्स वेरी ट्रेडिशनल, एंड वो कुछ 15 डिज़ाइंस है अलग अलग, 15 मतलब 15 टाइप्स ऑफ नेकलेसेस, लाइक गुजरात, लाइक राजकोट, एंड देन फिर कोई इटालियन डिज़ाइंस भी है। सो इतना रिसर्व, वो अभी वही बता रहे थे कि आज से 10 महीना लगता है एक कलेक्शन लॉन्च करने के लिए। सो इट्स लाइक हमारी फिल्म जब आती है तो पूछते ना कब आएगा, हम लोग बोलते हैं अरे प्री चालू है, अरे अभी फिल्म आएगी, अभी पोस्ट चालू है, तो इट्स लाइक द इट्स एंटायर प्रोसेस, वी जस्ट सी द फाइनल रिजल्ट। सो आई एम जस्ट ग्लैड कि थैंक यू सो मच वामन हरिपेठे, आज 15 साल उनके पूरे हुए हैं नागपुर में, तो इनके इतना स्पेशल ओकेजन है, उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया, सो थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ रुता दुर्गुड़े थी, इन्होंने भी यहाँ के जो ज्वेलर है इसकी बहुत तारीफ की है। अक्षय तृतीया का अवसर है, आप भी आइए और जल्दी से ग्रैब कीजिए वामन हरिपेठी ज्वेलर्स की जो भी ऑफर्स है उसको। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।